आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। खबर यूपी के एटा से है, जहां एसएचओ बागवाला के खिलाफ की गई शिकायत के बाद मामले में जांच बिठा दी गई है। जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है, जिसकी रिपोर्ट एएसपी को सौंपी जाएगी। एसएचओ बागवाला नरेश सिंह पर आरोप लगाए गए थे कि वो अभद्र व्यवहार करते हैं और फरियादियों की शिकायत पर कार्यवाही नहीं करते, जिसके बाद एसएचओ बागवाला के खिलाफ जाँच शुरू की गई है। थाना बागवाला क्षेत्र में एक मामले में मुकदमा लिखा हुआ है, उस दौरान का आरोप है कि उनको झूठा फंसाया जा रहा है, कैंसर हो गया। आपसे मिले सर, क्या आश्वासन दिया है सर, क्या मामला? थाना बागवाला में एक नाली के विवाद में एक मारपीट के प्रकरण में अभियुक्त रूप से पंजीकृत है, जिसमें आरोपी गणों द्वारा यह बताया गया है कि इस मामले से प्रकरण में उनके ऊपर छेड़छाड़ संबंधी आरोपों के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की उनसे जानकारी ली गई है तथा क्षेत्राधिकारी नगर को इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। इसके समस्त साक्षियों का परीक्षण कर लें, चश्मदीद साक्षियों के बयान आदि दर्ज कर इसमें न्यायोचित कार्रवाई करें। सर, आरोप जो आरोपी इसको बनाया है वो कैंसर का रोगी है और बड़ा गंभीर अवस्था में दिख रहा है, जिस तरीके से उसका ऑपरेट हुआ है, तो आपके द्वारा न्याय दिया गया है उन्हें और वो धन्यवाद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, पुलिस हमेशा सही साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दशा में फर्जी तरीके से कोई भी अभियोग में कार्रवाई न हो, ऐसा सभी प्रयास। क्या नाम है आपका? चंद्र दास। एसएसपी साहब के आए हैं कार्यालय पर, क्या मामला है? या कोई न्याय जितना सर, क्या हुआ है आपके साथ? तो लगा हुआ है, क्या मुकदमा लगा, किस चीज का? छेड़छाड़ का। कितने दिन पहले मुकदमा लिखा है? 7 तारीख। कहाँ का मामला है? यहाँ लगेंगे। कौन सा थाना क्षेत्र में? बागवाला। अभी कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कायम न्याय जताएंगे। सीओ साहब को लिख दिया है।